लॉकडाउन ने तो जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। समझ नहीं आ रहा क्या करें। रोज कमा कर लाते थे, रोज खा लेते थे। अगर ऐसी सिलसिला चलता रहा तो कोरोना से नहीं, हम भूख से मर जाएंगे। अल्लाह बेहतर करेगा, आप परेशान ना हो। एक तुम्हारी नौकरी का आसरा था, वो भी उन्होंने मना कर दिया। कुछ पैसे वगैरह एडवांस दिए मैंने। आज तो चिकन डिनर करके छोड़ूंगा। लगता है ये मोबाइल ही मनहूस है मेरा, एक चिकन डिनर नहीं मिलता। ना हो मेरा चिकन डिनर, तोड़ दूंगा मैं ये मोबाइल। एक तो चिकन डिनर नहीं मिल रहा और ऊपर से खाने को भी सैंडविच नहीं मिल रहा। मुझे कब से कहा हुआ। कोई सैंडविच ले आएगा मेरे लिए? यार कितने दिन से कोशिश कर रही थी मेकअप करने की, हो ही नहीं रहा था, टाइम ही नहीं मिल रहा था। आज मैंने इतना अच्छा मेकअप किया है आपका, इस क्वारंटाइन ने तो अच्छा खासा टाइम दे दिया। इट्स अ ब्लेसिंग। अरे यार किस्मत ही खोरो, फिर नहीं मिला चिकन सैंडविच। आपा इसको सैंडविच देके इसका मुंह बंद करवाएं। तीसरी टिकटॉक इसकी वजह से खराब हुई है। इतनी मुश्किलों से एक्सप्रेशंस आते हैं और ये बीच में कूद पड़ता है। यार मैं ना तुम्हें दो मिनट बाद कॉल करती हूँ, इस नवाबजादे का जरा मैं मसले देख लूँ कि क्या है। अस्मा, अस्मा। जी बाजी। तुमने अभी तक सैंडविच नहीं बना कर दिया अली को, कितनी देर हो गई है, और एक कप चाय मेरे लिए भी लेकर आओ। जी बाजी। अच्छा मेकअप करने लगी हूँ मैं। सोच रही हूँ कि अपना सैलून जरूर खोल लेती हूँ, क्योंकि मेकअप अच्छा करना आ गया मुझे। मास्क नहीं पहना तुमने? हाथ धोए थे सैंडविच बनाने से पहले? अच्छा ठीक है जाओ। मामा आपको कितनी बार कहा है उसको कुछ छुट्टी दे दें, मास्क पहनती नहीं है ये, और पता नहीं हाथ भी धोती है कि नहीं। मुझे उसके हाथ का नहीं खाना, बाहर से कोरोना लेके हमारे घर में आ जाएगी। आप कुकिंग करें, मुझे आपके हाथ का खाना है। अरे मुझसे कब होगी कुकिंग, मुझे कहाँ आता है अब खाना पकाना, मुझसे नहीं होगी अब कुकिंग। मुझे नहीं पता, मैं बस आपके हाथ का खाऊंगा। अरे जब भूख लगेगी खुद ही खा लेगा। अरे किस बात पे झड़प हो रही है माँ बेटे के बीच? कुछ नहीं, कुक सैंडविच बना कर लाई है और कह रहा है कि मैं उसके हाथ का नहीं खाऊंगा, और मुझे मुझे कह रहा है कि आप कुकिंग करें। मुझे कहाँ आती है कुकिंग, मुझसे कहाँ होती है आप कुकिंग। नहला बोल तो वो ठीक रहा है, इन क्वारंटाइन के दिनों में अगर तुम मेकअप की बजाय खाना पकाने की कुछ प्रैक्टिस कर लो तो ज्यादा बेहतर होगा, बल्कि अपनी उस मोहतरमा को भी कुछ सिखा दो। अच्छा इस क्वारंटाइन में आप और आपका बेटा आराम करें, मजे करें, मैं और मेरी बेटी किचन में काम करें। मैं कल ही उससे छुट्टी दे देती हूँ, लेकिन किचन की जिम्मेदारी आपकी और आपके बेटे की होगी। अच्छा आप नाराज ना हो, मिलकर कर लेंगे, तुम उसे छुट्टी दे दो। मैं 3 माह का राशन इसीलिए तो लाया था कि हमें बाहर ना निकलना पड़े। अब उसका रोज आना जाना खतरे से खाली नहीं है, पता नहीं किस कच्ची आबादी में रहती होगी। कह तो आप ठीक रहे हैं, चले मैं उसे छुट्टी दे देती हूँ। पूछ लो अगर कुछ पैसे चाहिए हो तो दे देना। अरे पूछा तो देने पड़ेंगे, अभी 2 दिन पहले ही तो मैंने उसे तनख्वाह दी है। दे दो, राशन ले लेगी। बाहर बहुत राशन बट रहा है, ले लेंगे कहीं ना कहीं से। आप ज्यादा हातमताई की औलाद ना बने, आपको बड़ी फिक्र हो रही है उसकी। अरे मैं तो ऐसी इंसानी हमदर्दी के तौर पे बोल रहा था। अस्मा अच्छा हुआ तुम आ गई, मैं तुम्हें ही बुलाने लगी थी। कल से तुम मत आना, जब मुझे तुम्हारी जरूरत होगी मैं तुम्हें खुद ही कॉल कर दूंगी, ठीक है? वो एडवांस दे भी देते तो ना लेती, हम गरीब जरूर है बेगैरत नहीं।
अल्लाह बेहतर करेगा। बॉस आपने स्टॉक मार्केट देखी ना? अरे मामा आपने मेरी वीडियो देखी टिकटॉक पे? कोरोना वायरस पे कितनी वायरल हो गई है। अरे वाह डैड हो जाएगा। डैड ये वीडियो देख के वेरी फनी। मैं मीटिंग कर रहा हूं बेटा। डैड मैं मीटिंग कर रहा हूं। सॉरी बॉस ये वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस तो आपको पता है बॉस। बॉस और मुझसे बेहतर तो वर्क फ्रॉम होम का एक्सपीरियंस आपको पता है। मैंने कॉल की थी आपको तो आपकी मिसेज ने बताया कि आप किचन में बिजी हैं। मामा आपकी बेटी सेलिब्रिटी बन गई है। अरे वाह। अच्छा अब ये वक्त भी आना था कि चुड़ैलें सेलिब्रिटी बनेंगी। मामा इसको समझा लें, ऐसा ना हो कि कोरोना के बजाय मेरे हाथों से जाया हो जाए। ओहो छोड़े मामा इसको। मामा ये वीडियो देखें, ये देखें पुलिस वाले लोगों को किस तरह ठंडे मार रहे हैं और मुर्गा भी बनाया। बिल्कुल ठीक करें, इन लोगों के साथ पुलिस वाले बिल्कुल सही करें। यही वो लोग हैं जो कोरोना फैला रहे हैं चाहे कहीं के। पता नहीं क्यों इन लोगों को घर पर सुकून नहीं मिलता। घर में चैन कैसे आए, घर बैठो तो भूख मारती है, बाहर जाओ तो पुलिस मारती है। राशन खत्म हो गया था, सोचा था कोई सवारी मिल जाएगी तो कुछ राशन लेता आऊंगा, लेकिन बाहर तो जिल्लत के सिवा कुछ मिल ही नहीं रहा है। अल्लाह बेहतर करेगा, आप ना उम्मीद ना हो। अल्लाह ही तो नाराज है हमसे। एक जगह राशन मिल रहा था, सोचा ले लूं, लेकिन दर्द ने इजाजत नहीं दी। इतनी भीड़ थी कोई हिम्मत वाले ही ले सकता था। खबरदार जो आपने ऐसा सोचा भी, कभी किसी के आगे हाथ फैलाए जो आप फैलाएंगे। भूखी मरना पसंद करूंगी लेकिन मांगा हुआ राशन नहीं खाऊंगी। हमारे घर में अगर राशन आएगा तो हमारी मेहनत की कमाई का। Come on, come on. Oh, shit, man, I got killed again. नाज़रीन आपको ब्रेकिंग न्यूज देते चले, हुकूमत ने लॉकडाउन में मजीद तौसी का फैसला कर लिया है। कोरोना का खतरा और हुकूमत का लॉकडाउन मजीद बढ़ाने का फैसला। Yes, Dad, entertainment period is extended. बहुत अच्छा किया। मैं तो कहती हूँ कि 2 महीने के लिए बंद कर देना चाहिए, बाकी मुमालिक भी तो इतने महीनों से बंद हैं। यहाँ बंद हो जाएगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। मॉम यू नो यूके में 3 मंथ्स के लिए उन्होंने टोटल लॉकडाउन कर दिया। अच्छा फैसला है हुकूमत का, है तो हमारी बेहतरी के लिए ही। अरे ये क्या ले आए? राशन है कुछ दिनों का, कुछ सवारियां मिल गई थी, सोचा राशन लेता जाऊं, वरना तो भूखे मर जाते। शुक्र है राशन ले आए, वरना तो लॉकडाउन मजीद बढ़ गया। क्या? हाँ। या अल्लाह, लाख लाख शुक्र है मालिक। तू ही राजिक है। नैला बाजी, अस्सलाम वालेकुम नैला बाजी। हेलो। हाँ अस्मा, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही थी। मैं सोच रही थी कि तुम्हें बुला के कुछ पैसे ही दे दूं। नहीं बेगम साहबा, आप जानती हैं मैं काम किए बगैर पैसे नहीं लेती। अच्छा तुम इतनी गैरतमंद बनती हो। और शोहर तुम्हारा राशन भी भीख मांगता फिर रहा। क्या मतलब बेगम साहबा, क्या कह रही हैं आप? मतलब तो अपने शोहर से पूछो, मैंने तो उसकी वीडियो देखी है सोशल मीडिया पे राशन। कहाँ से लाए आप राशन? अरे तुम्हें बताया तो था कुछ सवारियां मिल गई थी तो मैंने कहा राशन ले लूं। तुम इतने गुस्से में क्यों? झूठ बोल रहे हैं आप। अरे मैं तुमसे झूठ क्यों बोलूंगा? नैला बाजी की कॉल आई थी, उन्होंने आपको राशन मांगते हुए वीडियो में देखा है। क्या करता? चोरी करता, डाके डालता, खुद को और तुम्हें भूखा मारता। अरे मैं तो उसी वक्त मर गया था जब मैंने उनसे राशन लिया और तस्वीरें खिंचवाई। मजबूरी इंसान से क्या कुछ करा देती है, इसका अंदाज मुझे अच्छे से हो गया। जो शख्स कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था, अरे आज झोली फैलाए राशन की लाइन में खड़ा अपना मुंह छुपा रहा था। मैंने कोशिश की कि कैमरे की आंख से बच जाऊं, लेकिन शायद राशन लेके तस्वीर खिंचाना उनकी शर्त थी। ये लोग शायद ये नहीं जानते कि कुछ लोगों की जिंदगी भर की कमाई उनकी इज्जत होती है,
जो उनकी एक तस्वीर से तार तार हो जाती है। ऐ खुदा, तू अपने बंदों से रिश्ते दिलवाता तो है, पर तेरे बंदे जलील बहुत करते हैं, बहुत जलील करते हैं। राशन देकर सेल्फी ले ली जालिम से, भूख का मारा गैरत से दम तोड़ गया।